तरीके से डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। इससे पहले जो मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ दैट आर बेस्ड ऑन गैसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस लॉ, उसमें से हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। तो एक सिंपल सा डेरिवेशन है जो इन तीनों लॉ को हमको यूज़ करके वहाँ पर डिराइव करना है। तो यहाँ पर बॉयल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था कि पी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। चार्ल्स लॉ नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंग वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस के। अगर हम इन तीनों पर्टिकुलर जो लॉज हैं इनको अगर हम कंबाइन कर दें तो हम इस तरीके से वहाँ पर लिख सकते हैं कि वी इज प्रोपोर्शनल टू एन टी अपॉन पी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। या फिर हम इसको इस तरीके भी से लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें पी और वी को तो ये इक्वेशन बन जाएगी कुछ इस तरीके से, पी वी प्रपोर्शनल टू एन टी। अब अगेन प्रपोर्शनल का साइन जब भी हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट हमको मिलता है हमेशा, तो यहाँ पर पी वी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं वहाँ पर एन आर टी। अब यहाँ पर पी है वो प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेज है, एंड आर इज गैस कांस्टेंट, और टी है वो वहाँ पर टेम्परेचर है। आर यहाँ पर जो है वो गैस कांस्टेंट है, ये या आपको याद रखना पड़ेगा। आर गैस कांस्टेंट है और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है उसके अकॉर्डिंग इसका जो यहाँ पर वैल्यू होगी दैट विल बी 8.314 जूल कैल्विन इनवर्स एंड मोल इनवर्स।